हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आनी थी जो कि अभी तक नहीं आई है, जबकि इसके अंदर काफ़ी सारी डेट दी गई है। किसान की 14 किस्त जो है 15 जुलाई को आ जाएगी, इससे पहले भी काफ़ी डेट दी गई है, पर अभी तक जो है किसान की 14वीं किस्त नहीं आई है। तो 14वीं किस्त किसान की कब आएगी? इसी महीने में आने वाली है। तो कौन सी तारीख को आएगी, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि किन लोगों की 14वीं किस्त आने वाली है और किन लोगों की 14वीं किस्त नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो हम बता दें, किसान के जो 14वीं किस्त 27 जुलाई की डेट रखी गई है, दोबारा से 27 जुलाई को जो है सभी के किसान खाते में 14वीं किस्त आ जाएगी 2000 रुपये, और जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है उनकी 14वीं किस्त नहीं आएगी। तो जल्दी से जल्दी अपनी KYC कंप्लीट करा लें। जिसकी KYC कंप्लीट होगी उसी की 14वीं किस्त 2000 रुपये किसान के खाते में भेज दिए जाएंगे। और KYC कराने के लिए आपके जो है नाम सब सेम होने चाहिए, यानी आपकी फ़र्ज जो होती है ज़मीन की, उसमें भी नाम सेम होना चाहिए, और आधार कार्ड में भी नाम सेम होना चाहिए, और बैंक खाते में भी आपका नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके नाम अलग अलग होंगे तो आपकी जो है पेंशन, तो आपकी 14वीं किस्त 2000 रुपये आपके खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि KYC से ही पैसा आता है। कुछ लोगों की किस्त आ जाती है पर उसे यह पता नहीं चल पाता है कि हमारी किस्त कौन से खाते में गई है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने जो अकाउंट दिया है उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। सरकारी पैसा जो जाता है वो आधार कार्ड से जाता है। जिस खाते में सबसे बाद में आपका आधार कार्ड लिंक होता है, ऑटोमेटिक उसी में पैसा चला जाता है। कुछ लोग ये देखते हैं कि हमने जो अकाउंट दिया था उसी में किस्त जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जो भी सबसे बाद में अकाउंट खुलवाया हो या आधार लिंक कराया हो, तो अपनी किस्त वहाँ पर चेक कर सकते हैं, और आपकी किस्त उस अकाउंट में 99% मिल जाएगी। कुछ लोगों की KCC कार्ड जो होते हैं, KCC कार्ड में किस्त जा रही है, तो वो अपने KCC कार्ड की एंट्री करा ले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि हर किसान को पता चल सके कि हमारी किस्त आ रही है 27 जुलाई को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। अब आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किसान की एक स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से, कि हम जो है देख सकें हमारी कितनी किस्त आ चुकी है और कितनी नहीं, और कौन से अकाउंट में हमारी किस्त जा रही है। तो ये सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप जो हमें कमेंट करके बताइए, अगर आप हमें कमेंट करोगे तो इसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। आप अपने ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि हमारी किस्त कौन से अकाउंट में जा रही है और कितनी किस्त आ चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।